नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में, जहां विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल बजट के विरोध में संसद परिसर में प्रदर्शन हुआ है और विपक्षी सांसदों ने हाथ में तख्तियां लेकर विरोध जताया है। राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप भी लगाया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बजट पर अब घमासान जारी है। दरअसल राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप विपक्षी दलों की तरफ से लगाया जा रहा है। सरकार के खिलाफ विपक्षी दल मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। बजट के विरोध में संसद परिसर में प्रदर्शन किया गया। विपक्षी सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध जताया है। साथ ही साथ राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप भी लगाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कल निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है और उसके बाद से विपक्षी दल लगातार सरकार पर हावी हैं, सरकार का घेराव करने की कोशिश। जहां बजट पर चर्चा करने के लिए 20 घंटे का समय आवंटित किया गया है, वहीं विपक्षी दलों की तरफ से संसद परिसर में बजट को लेकर के विरोध जताया जा रहा है। विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बजट के विरोध में संसद परिसर में प्रदर्शन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी फोनलाइन पर जुड़ गए। प्रदीप जी, जब से बजट आया है तब से ही विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि 20 घंटे का समय आवंटित किया गया है सदन में बजट पर चर्चा के लिए, लेकिन इस बीच विपक्षी दलों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। संसद में हाथों में तख्तियां लेकर, बैनर लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया जा रहा है। कहीं ना कहीं राज्यों की अनदेखी का आरोप भी लगाया जा रहा है। बजट आया है संसद में, इसको पेश किया गया लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से, और आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है संसद भवन परिसर में। मुख्य दरवाजे के पास विपक्षी इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। इसके अलावा अन्य पार्टियों के सांसद विपक्षी एकता के सूत्रधार बनते हुए यहाँ पर प्रदर्शन करते नजर आए हैं। विरोध इस बात का कि बजट में राज्यों की अनदेखी की गई है, कई राज्यों को बजट आवंटन नहीं हुआ है, तो वहीं बिहार और आंध्र प्रदेश को जो विशेष पैकेज मिले हैं वो कुर्सी बचाने के लिए दिए गए हैं, ये विरोध प्रदर्शन करते हुए कई नारे लगाए गए हैं। पंजाब के सांसद इसमें शामिल रहे, विपक्षी पार्टियों के सांसद, इसके अलावा टीएमसी बंगाल के सांसद वो भी प्रदर्शन कर रहे थे, समाजवादी पार्टी सांसद वो भी प्रदर्शन में शामिल रहे, अखिलेश यादव भी प्रदर्शन में शामिल रहे, और प्रदर्शन करते हुए नेताओं ने जमकर नारे लगाए हैं। तो कल ही ये रणनीति बनाई गई थी विपक्षी की ओर से कि इसमें जो बजट है, बजट में जिस तरीके से आवंटन हुआ है, इसमें कई राज्यों को जो प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, इसका विरोध किया जाएगा। और आज विरोध प्रदर्शन संसद भवन परिसर के अंदर करते हुए विपक्षी नेताओं ने सरकार पर हमला बोला है। हालांकि सरकार की ओर से, बीजेपी की ओर से इस बजट को समावेशी बजट और सबका बजट बताते हुए जवाब दिया गया है। तो बजट पर चर्चा के दौरान जोरदार घमासान देखने को मिल सकता है, जबकि बजट पर चर्चा लिस्टेड है और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण वक्ता बोलने वाले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।